हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं अपने कोई पॉन्ड की सारी मछलियों को अपने 2 फीट वाले टैंक में डालने वाला हूं, क्योंकि हमारे कोई पॉन्ड में कुछ काम चलने वाला है। उसका जो पॉलीथीन है ब्लैक कलर वाला, वो हल्का सा मुझे लगता है फट चुका है, और इसकी वजह से उसके साइड में पूरा पानी भर जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसमें हम टाइल्स लगवा देंगे और वो एरिया को थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा बना देंगे। तो इसलिए उसमें काम चालू होने ही वाला है, और हम इसके लिए नई मछली भी मंगाने वाले हैं, और वो हम मंगाए नहीं अभी तक, क्योंकि मैंने देखा कि पॉलीथीन बहुत ज़्यादा फट चुका था। तो मैं सोच रहा हूँ पहले कोई पॉन्ड का काम करा लेते हैं, उसके बाद हम ये वाले टैंक की बात करेंगे। और देखो भाई, इसमें बायोमेटर डल चुका है, तो कितना ज़्यादा क्लियर लग रहा है, और कल से तो और भी ज़्यादा क्लियर लग रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है दूर से। आप लोगों को अगर दिख रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं सोच रहा हूँ, हमारे पास जितनी भी मछली बची हुई है, 5 या 6 बची हुई है, तो हम उसको इसमें डाल देते हैं। और हमारे पास कोई टैंक तो है नहीं, ये वाला बस टैंक है, और इसमें तो हम अगर देखते हैं, अगर इसमें ओवर स्टॉक जैसा लगेगा तो हम इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो हम पूरा मछली इसी में डालने वाले। लेकिन शार्क जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है हमें, तो शार्क को मैं रहने दूंगा उसमें, अगर हो पाया तो, नहीं तो हम इसमें भी डाल सकते, लेकिन इसमें डालना खतरों से खाली बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या हम इसमें डाल सकते हैं, इसमें या इसमें, दोनों में से कोई भी टैंक में हम डाल सकते हैं शार्क को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम शार्क को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसमें डाल देंगे। तो लेकिन जो बाकी मछली है हमारी, उसको इसमें हम डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही सोचते हैं आगे का काम। तो मैं इसके लिए देख सकते हैं, ये लेके आ चुका हूँ, ये ब्लेड है, और मैं इसका कैल्शियम ब्लेड से निकालूंगा। पहले मैं स्कॉच ब्राइट से करता था, और कभी कभी तो मैं नॉर्मल से भी कर लेता था हाथ से ही, लेकिन ये वाला थोड़ा हार्ड स्टेन है। और देखो भाई, पानी तो खतरनाक हो गया, तो इसे भी निकालना पड़ेगा, सबको क्लीन करना पड़ेगा। और जो पीछे हमने बैकग्राउंड लगाया था वो भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, अगर हो सकेगा तो हम इसे भी चेंज कर देंगे, वो तो आगे पता चलेगा कि ये गंदा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसे साफ कर लेते हैं, ये नया ब्लेड लेके आया हूँ मैं, और हम साइड से इस तरीके साफ करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये देखो, और आज हमारे साथ तो नियो भी है। देखो भाई, ये है नियो हमारा प्यारा सा। ए, कहाँ जा रहा नहीं हो, गर्मी लग रही है नहीं हो आपको, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और कोई पॉइंट का पानी भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मैं आपको एक बार कोई पॉइंट भी दिखाने लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार साफ करके दिखा देता हूँ। ए नहीं रुक जा, नहीं जा रहे हैं अभी, हाँ वहीं खड़े रहो। तो ये देखो, ब्लेड को मैंने कुछ इस तरीके से निकाल लिया है, और थोड़ा सा हम गीला करेंगे सरफेस को, ताकि ईजिली निकल जाए। और देखो हम इसे किस तरीके से क्लीन करेंगे, कुछ ऐसे क्लीन करेंगे ताकि हमारा स्क्रैच बिल्कुल भी ना आए हमारे ये जो एक्वेरियम है। मैं बार बार पॉन्ड बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो इस तरीके से मैं क्लीन करूँगा चारों तरफ को, और उसके बाद आपको लेके चलूँगा हमारे कोई पॉन्ड की तरफ, कि उसकी हालत क्या हो चुकी है। और इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो यार मैं कोई पॉन्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता था, लेकिन पता नहीं किस तरीके से वो फट चुका है, और शायद उस वजह से वो पानी बाहर जा रहा है, और पानी कम हो जा रहा है धीरे धीरे, तो वो आपको आगे दिखाऊंगा मैं। तो चलो इससे पहले करते हैं अपन साफ, उसके बाद मिलता हूँ। तो टैंक हो चुका है हमारा बहुत अच्छी तरीके से क्लीन, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बस ऊपर बहुत सारा कैल्शियम आपको दिख रहा होगा। ये नहीं निकल रहा था यार, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने ब्लेड से भी किया और विनेगर से भी किया इसे, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं किस टाइप का है ये कैल्शियम, लेकिन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हम पानी सिर्फ यहीं तक भरते हैं, और उससे ऊपर भरते तो ग्लास टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता ही ये ग्लास पहले भी टूट चुका है, इसलिए हमने इसमें ये लगवाया हुआ था, जिसे हम ब्रेसिंग कहते हैं, दोनों साइड पर लगा हुआ है। ये देखो, ये मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है यार, मस्त है। ये दोनों फिश बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं जब भी मैं आता हूँ, और ये भी देखो, वो मुझे देख के आती है, और स्टिंग रे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी स्टिंग रे के पास मैं जाऊँगा तो देखो ये किस तरीके से मुझे ट्रीट करती है। आ जाओ, ओए, ये बिल्कुल डरती भी नहीं है, बस एरोवाना हमारी थोड़ी सी डरने लगी, क्योंकि वो बाहर कूद गई थी, तो हमारे घर वालों ने उसे निकाला था, तो शायद उस वजह से वो डरती होगी मुझसे, क्योंकि मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि आप जब पास जाते हैं तो आपकी एरवान आपसे दूर भागती है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि वो अभी अभी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, और बहुत सारी उसको दिक्कत हुई थी, इस वजह से वो डर रही है, बाकी कोई मछली मुझसे डरती नहीं है। तो चलो इसे हम जल्दी सेटअप करते हैं, और मैं सोच रहा पीछे का बैकग्राउंड अभी फिलहाल नहीं लगाता, मेरे को देखना है कि ये कैसा दिखता है बिना बैकग्राउंड के, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड इसमें लगा ही हुआ था। और मैं इसमें सोच रहा हूँ कि नीचे भी कुछ ना बिछाऊँ, तो देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, या फिर मुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा करूँगा। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना कोई पॉन्ड कि उसकी हालत क्या हो चुकी है, तो चलो चलते हैं कोई पॉन्ड के पास। ये देखो भाई, कोई पॉन्ड की हालत क्या हो चुकी है, और ये हालत क्यों हुई है आपको दिख रहा होगा, ये जो साइड वाला है इसके पीछे पूरा पानी भरा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इसको इसे दबा रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी दब नहीं रहा है, इसके पीछे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है,
और पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे भी, कटे देख सकते हैं, ये शायद बिल्ली ने किया होगा और ये सब चल रहा है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसमें टाइल्स लगवाना ज़्यादा बेटर है और ब्लैक कलर की ही टाइल्स लगवाएंगे। और ये जो पीछे दीवार है इसमें भी अपन सेम टाइल्स वगैरह कुछ लगाएंगे। और देखो यार प्लांट भी मर गया, इतनी ज़्यादा धूप है इसमें और पानी अपने आप कम हो रहा है। देखो हमारे पास कितनी मछली, 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो 7 मछली हमारे पास है। तो हम ये छोटी छोटी मछली को तो बिल्कुल लेके चलते हैं और फिर अंदर सेटअप करते हैं। मैं जल्दी से आधा पानी इसका ले लेता हूँ और क्योंकि मोटर से लेना पड़ेगा और हमारी मछलियाँ इसमें सूट हो चुकी है, तो हम आधा पानी इसी से लेंगे और बाकी का पानी फिर हम नया डालेंगे। तो चलो इससे आधा पानी ले लेते हैं। ये देखो भाई हमने पाइप निकाल लिया है और सारा प्लांट से पानी डाल दिया। और देखो भाई ये कितना ज़्यादा मस्त ग्रोअर है, क्योंकि ये थोड़ा शेड में है इस वजह से ये तो बहुत ग्रो हो रहा है और वहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है। देखो इस वजह से ये भी थोड़ा सा कम हो गया है और पानी तो डाल ही दिया हूँ मैं। और चलो अब इसे इसमें तो, भाई ये क्या कचड़ा आया, ओह भाई भाई ये कचड़ा हमें नहीं चाहिए था। ये देखो भाई कचड़ा हमने फेंक दिया है और अब जाएगा सिंपल नॉर्मल वाला पानी। जो ऊपर ऊपर का होगा पानी हम उसी को लेंगे, क्योंकि नीचे का पानी लेके तो हमारे को बहुत सारे डर्ट भी मिलेगी। और देखो फिश फिश फिश, मुझे बस ये डर है कि हमारे 2 फीट के टैंक में ये सारे मछली आ जाए। तो मुझे तो लगता है कि ये वाली जो फिश है और प्लैको को हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्डी होती है। और इसको भी मुझे देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा जब इसमें लगेंगे टाइल्स ढेर सारे। आप लोग मुझे कलर बता सकते हैं टाइल्स का, कि कौन सा कलर का टाइल्स में अच्छा लग सकता है। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कलर अच्छा लगेगा और इस दीवार पर भी कुछ टाइल्स जैसा लगा देंगे हम वहाँ तक, तो वो भी देख लेंगे। देखो भाई बात करते करते हमारा पानी भर गया आधा से ज़्यादा, तो इस पानी को डालेंगे और इसके बाद हम नया पानी भी डालेंगे, तो दोनों वाटर मिक्स हो जाएगा। और हम थोड़े से इसमें के ब्रिक्स भी ले चलेंगे या स्पॉन्ज कहीं ना कहीं उसे फिक्स करेंगे, ताकि हमारे अमोनिया का इशू बिल्कुल कम हो रहा है। तो चलो डालते हैं, अब इतना पानी तो काफ़ी होगा मुझे लगता है। सो फाइनली दोस्तों हमारा टैंक सेटअप हो चुका है अच्छी तरीके से। और आप लोग बिल्कुल भी ना समझे कि भाई ये मेरा मेन सेटअप है, मैं सिर्फ एज अ बैकअप की तरह इसे यूज़ करने वाला हूँ। और ये वाला टैंक को मैं सम फिल्टर के लिए यूज़ करने वाला था, और लेकिन अभी मेरे को ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसी में सेटअप कर लिया। और इसके लिए मैं नया टैंक तो ले नहीं सकता, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होगा। तो ऐसा हम बिल्कुल सेटअप नहीं करते, आपको तो पता ही है हम बहुत ज़्यादा खतरनाक सेटअप करते हैं, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी ना समझिए ऐसा। तो चलो अब फिश लेके आते हैं और इसमें डालते हैं और देखते हैं सब कैसा चल रहा है और इसमें सारी मछली आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। देखो यार कितना ज़्यादा गंदा भी दिख रहा है और इसमें बबल चालू कर दिया मैंने, क्योंकि इसका आपको वायर दिख रहा होगा ये टूट चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टूट गया, इस वजह से वो चल नहीं रहा। तो मैंने एक एयर पंप इसमें ऐड कर दिया है और अभी थोड़ा ये कचड़ा आपको दिखेगा नहीं थोड़ी देर में, लेकिन हम सबसे पहले अपनी मछली को इसमें ऐड करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसमें सब अच्छा सही चलेगा या नहीं चलेगा। तो लेके आते हैं मछलियाँ, तो चलो भाई पकड़ते हैं अब मछलियाँ। अब थोड़ा टास्क हो जाएगा हमारे लिए और सबसे पहले देखते हैं कौन सी मछली पकड़ाएगी हमारे पास, ये वाली। अरे भाई जरा तो भाग रही है यार। भाई एक मछली तो पहले पकड़ा गई, देखो भाई ये हमारी एक मछली और हम इसे रखेंगे यहाँ पे। ये देखो ऐसे करके हमें सारी मछली को पकड़ना है, तो चलो मैं पकड़ता हूँ। तो भाई वो सारी मछली पकड़ा गई और थोड़े थोड़े हमारे पास रेती भी आ चुके हैं, लेकिन हम रेती को डालेंगे नहीं और सिर्फ हम डालेंगे फिश को। देखो भाई क्या मस्त दिख रही है फिश, वाह। और चलो अब इनको ही डालेंगे, बहुत कम हो गई यार हमारे पास मछली, देखो सिर्फ और सिर्फ 7 ही मछली है हमारे पास। तो चलो इसे लेके चलते हैं और डालते हैं हमारे एक। तो हमने अंदर ले आया मछली, देखो भाई ये है और अब इसको डालेंगे हम एक साथ ही डालेंगे। देखो कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, आ जाओ मछली हमारी प्यारी प्यारी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये जितनी ज़्यादा मछलियाँ हैं उतनी ज़्यादा अच्छी है। अरे यार थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हमें इसे थोड़ा सा और पीछे करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम था बहुत ज़्यादा। ये देखो अब जाएंगे ये सीधा इसमें, वाह भाई जाओ जाओ भाई, कितनी बड़ी दिख रही है इसमें ये मछलियाँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मैं आपको और दिखाता हूँ डाल के, एक बार मैं सारी मछली को डाल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखो ओ भाई ये देखो, एक बची है बस,
भाइयों एक सेकंड, मैं बस इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। भाइयों देखो, हमने डाल दी अपनी सारी कोईज को इसमें और बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिख रही है हमारी कोईज। ये हमारे 2 फीट का टैंक है, देख सकते हैं, 2 बाय 1 बाय शायद 1 है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ 1 ही है। और देखो कितना ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है सारी मछलियाँ, आपको आज दिखेगा सब क्लोजअप में। देखो ये पॉन्ड के ऊपर से दिखती थी तो ऐसी दिखती थी, और साइड से कैसी दिख रही है आप लोग को पता चल रहा होगा, वाओ। और बहुत ही ज़्यादा जल्द हम एक नई भी कोईल आने वाले हैं और ढेर सारी बड़ी बड़ी कोईल आएंगे जब हमारे पॉन्ड में टाइल्स लग जाएगा अच्छी तरीके से। और देखो यार दूर से मैं आपको दिखाता हूँ, मस्त दिख रहा है। और सोचो यहाँ पे अगर एक कोई गोल्ड फिश पॉन्ड बनेगा, पॉन्ड बोलता हूँ, गोल्ड फिश का टैंक बनेगा तो कितना ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। और देखो ये हमारा पुराना टैंक होते हुए भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह भाई। और अभी पानी थोड़ा सा क्लाउडी आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अभी सब चीज़ ऐड किया है इस वजह से, और आपको कल बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखने वाला है। और आप मुझे शार्क के लिए ज़रूर बताएं कि हम इसको उसमें डालें, इसमें डालें, या फिर कोई दुकान वाले को दे दें, तो आप लोग ज़रूर बताएं। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।